हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसन की मांगा को, जिसमें मैं कवर करूंगा कि आखिर कैसे यूटा और ज़ेनिन क्लैन के हेड का बेटा नाओया मिलकर चोजो और यूजी को हराएंगे और हराने के साथ यूटा यूजी को मार भी देता है। अगर आपने इससे पहले का सीजन शिबुया इंसिडेंट आर्क नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लें। उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हमें पता चलता है कि जापान की हालत बहुत खराब हो गई है। केंजाकू की वजह से हर जगह पर बहुत सारे कर्ज स्प्रेड दिखाई दे रहे हैं जो कि सिविलियंस अटैक कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए जुजुत्सु सॉर्सरर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो कि एक स्टोर में खाना खा रही होती है कि तभी वहाँ पर एक कर्ज स्प्रिट आ जाता है जो उसे अपने पास बुलाने लगता है और वो लड़की जैसे ही उस कर्ज के पास आती है वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, बट सही टाइम पर वहाँ पर यूटा आ जाता है जो आते ही उस कर्ज स्प्रिट को मार देता है और फिर उस बच्ची को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूटा जुजुत्सु हेडक्वार्टर जाता है जहाँ पर उसे हायर अप्स मिलते हैं। हायर अप्स यूटा की तारीफ करते हैं पर यूटा को उनकी तारीफ से कुछ असर नहीं होता। हायर अप्स यूटा से कहते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी कर्ज स्प्रिट को मारा है, ये कुछ भी प्रूफ नहीं करता। जिस पर यूटा कहता है, तो तुम लोग मेरे साथ किसी बाइंडिंग वॉर में आ जाओ या कुछ और कर सकते हो। और फिर यूटा कहता है कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो मास्टर गोजो का प्यूपल है कि नहीं, उसने टोगे का हाथ काटा है, मैं यूटा को खुद मारूंगा। इसके बाद जुजुत्सु हेडक्वार्टर से 5 नोटिस जारी होते हैं। नोटिस नंबर 1 में गेतो को मारने का ऑर्डर था। नोटिस नंबर 2 में जो भी गोजो की सील को हटाएगा उसे क्रिमिनल एक्ट के तहत मार दिया जाएगा। नोटिस नंबर 3 में यागा को मारने का ऑर्डर था क्योंकि गेतो और गोजो दोनों ही उसके स्टूडेंट थे जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। और नोटिस नंबर 4 में यूजी को मारने का ऑर्डर था और नोटिस नंबर 5 में जो यूजी को मारेगा उसका नाम था जो कि था यूटा। इसके बाद हमें ज़ेनिन क्लैन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहां पर हम ज़ेनिन क्लैन के लीडर के बेटे नाओया ज़ेनिन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से पूछा होता है कि क्या माई जिंदा है, जिस पर उसके असिस्टेंट कहती है कि तुम्हें अभी माई की चिंता नहीं बल्कि ये सोचना चाहिए कि नेक्स्ट हेड कौन बनेगा और वो ये भी बताती है कि जो मर रही है वो माँ की है। इसके बाद नाओया जाकर ओगी और जिंची से मिलता है जो कि ज़ेनिन क्लैन के ही होते हैं और इनकी रैंक स्पेशल ग्रेड 1 होती है। ये तीनों यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि इन तीनों में से ही कोई एक ज़ेनिन क्लैन का अगला हेड बनने वाला था क्योंकि नाबीतो को जोगो ने मार दिया था। यहाँ पर नाओया आकर कहता है कि ज़ेनिन क्लैन का अगला हेड तो मैं ही बनूंगा और वो ओगी और जिंची की बेइज्जती करने लगता है जिस पर वो दोनों ही उस पर हमला करते हैं, पर नाओया उन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है कि तभी यहाँ पर नाबीतो का लॉयर आ जाता है जो कि आकर यहाँ पर कहता है कि मास्टर नाबीतो मर चुके हैं तो मैं यहाँ पर उनकी विल को पढ़ने आया हूँ। वो लॉयर बताता है कि मास्टर नाबीतो ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो तुम नाओया जिंची और ओगी को साथ में बुलाकर इस विल को पढ़ना। इसके बाद वो उस विल को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि ज़ेनिन क्लैन का 27वां हेड नाओया ही बनेगा और उसको उन सब चीजों पर अधिकार होगा जो कि ज़ेनिन क्लैन के अंदर आती हैं, जैसे कि कर्स टूल और ज़ेनिन कर्स वेयर हाउस, पर इसके लिए उसे ओगी और जिंची की अप्रूवल भी चाहिए होगी। बट तभी वो लॉयर एक एक्सेप्शन बताता है। वो लॉयर आगे पढ़ते हुए कहता है कि अगर सातोरो गोजो गायब हो गया या उसे कुछ भी हो गया तो ज़ेनिन क्लैन का हेड मैगुमी बनेगा और जो कुछ भी ज़ेनिन क्लैन का है वो सब उसे मिल जाएगा। ये सुनकर नाओया बहुत गुस्से में आ जाता है और वो सीधा अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि मैगुमी कहाँ है, जिस पर वो बताती है कि वो टोक्यो में यूजी को ढूंढ रहा है, जिस पर नाओया पूछता है कि ये यूजी कौन है, जिस पर उसके असिस्टेंट जवाब देती है कि ये सुकुना का वैसल है। उसके बाद नाओया उसके असिस्टेंट से कहता है कि तुम हायर अप से कह दो कि सुकुना के वैसल को मारने नाओया ज़ेनिन जा रहा है और वहीं पर मैं मैगुमी को मार दूंगा। और फिर नाओया बड़े ही गुस्से में कहता है कि मैं उन दोनों को मार दूंगा। इसके बाद हमें यूजी और चोजो दिखाए जाते हैं जहाँ पर चोजो यूजी से पूछता है कि तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं, जिस पर यूजी कहता है कि भले ही मुझ पर ब्लैक फ्लैश से हमला हुआ था पर मैं ठीक हूँ, मुझे लग रहा है कि सुकुना की ताकत बढ़ती जा रही है। चोजो यूजी से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और जुजुत्सु हाई वापस लौट जाओ, जिस पर यूजी कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं और ना ही प्रॉब्लम ये है कि मुझे वापस जाना है कि नहीं, मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि सुकुना मैगुमी के साथ कुछ कर रहा है और उसके अलावा मैंने काफी लोगों को मार डाला है, मैं किसी के साथ भी नहीं रह सकता। और फिर वो चोजो से पूछता है कि क्या तुम्हें दुख नहीं कि मैंने तुम्हारे भाइयों को मार डाला, जिस पर चोजो कहता है कि मैं कोई दिक्कत नहीं, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर मेरे भाई भी होते तो वो भी यही करते और यही कहते। और ये सुनकर यूजी खड़ा होकर कहता है चलो हमें बहुत सारे कर्सेस को भी मारना है। इसके बाद यूजी और चोजो दोनों मिलकर काफी कर्सेस को मारने लगते हैं। यहाँ पर चोजो यूजी की पावर को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। चोजो सोचता है कि जब यूजी मुझसे लड़ा था तभी मैं उसकी पावर से इंप्रेस हो गया था, बट इस टाइम पर यूजी और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और चोजो यहाँ पर ये भी कहता है कि यूजी इस वक्त एक डीमन गॉड है। अब चोजो बार बार यूजी को उसका छोटा भाई बुला रहा था तो यूजी उससे कहता है क्या तुम मुझे अपना छोटा भाई बुलाना बंद करोगे, जिस पर चोजो कहता है तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हें छोटा भाई ही बुलाऊंगा। और फिर वो यूजी से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे पिता के हेड पर भी स्टिचेस थे। और तभी यहाँ पर नाओया आ जाता है जो कहता है कि मुझे मैगुमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कि तभी उसकी नजर चोजो और यूजी पर जाती है और वो यूजी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, क्या तुम्हें भागना नहीं है, जिस पर यूजी शॉक हो जाता है। नाओया उसे बताता है कि गोजो के जाने के बाद तुम्हें मारने का
ऑर्डर फिर से चालू हो गया है। फिर नायो कहता है कि मेरा काम मैगुमी से है, तुमसे नहीं, तो तुम मरो या जियो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मैं तुम्हें यहाँ पर घूमने नहीं दे सकता, तो सबसे पहले मैं तुम्हारी टांगों को तोड़ूंगा। फिर यूजी नाओया से पूछता है कि तुम्हें मैगुमी से क्या करना है, जिस पर नाओया कहता है कि अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे मार दूंगा, बट उससे पहले मुझे उससे कुछ लिखवाना है। और उसके बाद वो बड़े ही तेजी से यूजी और चोजो दोनों पर हमला कर देता है। अब नाओया का अटैक यूजी को तो लग जाता है, पर चोजो उसके अटैक को रोक देता है। और फिर जब ये दोनों उस पर हमला करने जाते हैं तो वो बड़ी ही स्पीड में वहां से गायब हो जाता है। और उसकी स्पीड को देखकर ये दोनों ही काफी इंप्रेस हो जाते हैं। नाओया भी समझ जाता है कि यूजी ही सुकुना का वैसल है, बट उसे ये नहीं पता था कि चोजो कौन है। और फिर वो सोचता है कि क्या उसे उसकी स्पीड को तेज करना चाहिए, कि तभी इन तीनों को यहाँ पर बहुत तगड़ी प्रेजेंस महसूस होती है। यूजी को तो लगता है कि ये गोजो की प्रेजेंस है, बट वो नोटिस करता है कि ये तो गोजो की प्रेजेंस से भी काफी खतरनाक है। और उसी वक्त वहां पर युता आ जाता है, जो कहता है तो तुम अकेले नहीं हो। अब यूजी तो युता को देखकर कहता है कि तुम कौन हो, बट चोजो युता को देखकर समझ जाता है कि ये यूजी को ही मारने आया है। युता नीचे आकर पूछता है कि यूजी के साथ कौन है, जिस पर नाओया साफ कह देता है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ। और फिर वो युता का नाम लेता है, जिससे यूजी को भी पता चल जाता है कि ये युता है, और युता के बारे में उसे मैगुमी ने पहले भी बता दिया था। अब युता नाओया से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर नाओया खुद का इंट्रोडक्शन देता है कि वो माकी का कजन है और ज़ेनिन क्लैन से बिलोंग करता है, और वो खुद भी यूजी को यहाँ पर मारने आया है। अब युता और नाओया आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी चोजो यूजी से बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मैं इन दोनों को रोकने की कोशिश करता हूँ। और चोजो यूजी को वार्निंग भी देता है कि युता से लड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, कोशिश करना कि तुम उससे ज्यादा से ज्यादा दूर भाग सको, अगर तुम उससे लड़े तो पक्के में मारे जाओगे। और फिर वो यूजी से कहता है कि हम कल वाले स्पॉट पर मिलेंगे, और ये कहते ही यूजी यहाँ से भागने लगता है। और युता और नाओया भी इन दोनों पर हमला कर देते हैं। नाओया सीधा जाकर चोजो पर हमला कर देता है, और युता जाकर यूजी का पीछा करने लगता है। यूजी और युता एक दूसरे की स्पीड को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। इधर नाओया चोजो को बहुत पीटता है और कहता है कि मैं तुम्हारी टेक्निक को देख चुका हूँ, वो ब्लड मैनिपुलेशन है। और वो कहता है कि ब्लड मैनिपुलेशन के अंदर कोई भी टेक्निक ज्यादा खतरनाक नहीं है, और जो दिक्कत देने वाली टेक्निक है वो पियर्सिंग ब्लड है, बट उसके लिए तुम्हें पहले चार्ज अप होना पड़ता है, और वो मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा। और फिर वो कहता है कि ये एक चेकमेट है, अब तुम मरने वाले हो। इस पर चोजो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे भाई को हर्ट करके यहाँ से जिंदा बच के जाओगे। इधर यूजी युता से दूर भाग रहा होता है, जहाँ पर युता यूजी पर अपनी कटाना से हमला करता है, बट यूजी उसकी कटाना से बच जाता है। और ये देखकर युता काफी शॉक होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने यूजी को काट दिया है। और उसके बाद यूजी युता पर एक कार से हमला कर देता है, और फिर द्वारा उससे दूर भागने लगता है, बट युता उसी कार को यूजी की तरफ फेंक कर मारता है और उसके आगे का रास्ता ब्लॉक कर देता है। यूजी को महसूस होता है कि युता के अंदर बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है, और युता भी यूजी को कंफर्म करते हुए कहता है कि तुम सही सोच रहे हो, मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है। फिर युता हमें बताता है कि भले ही उसके पास ज्यादा कर्स एनर्जी है, बट गोजो के पास 6 आईज हैं, जिसकी वजह से उसकी कर्स एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती है, बट उसकी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है, और इसी कारण से युता गोजो से थोड़ा सा कमजोर है। इसके बाद युता यूजी पर फिर से हमला कर देता है, जहां पर यूजी सिर्फ उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। यूजी नोटिस करता है कि युता की कटाना के आसपास भी कर्स एनर्जी फ्लो हो रही है। इसके बाद फिर से युता यूजी पर अपनी कटाना से हमला कर देता है, और इस बार वो यूजी पर थोड़ा सा एक कट भी लगा देता है। और ये देखकर यूजी सोचता है कि उसे सबसे पहले युता की कटाना का कुछ इलाज करना होगा। अब यूजी फिर से युता से दूर भागने लगता है, और वो एक गाड़ी के अंदर से एक नाइफ को बाहर निकाल लेता है, और फिर उसकी मदद से युता की कटाना का सामना करने लगता है। और यहाँ पर यूजी उस नाइफ के अंदर कर्स एनर्जी को फ्लो कराने लगता है, जिसकी मदद से उस नाइफ में थोड़ी सी ताकत आ जाती है, बट ऑफ कोर्स युता की कटाना में ज्यादा पावर थी, और वो यूजी पर भारी पड़ने लगता है। यूजी युता की कटाना को अपने नाइफ से रोकने की कोशिश करता है, बट युता उसे एक फ्रंट किक मार के काफी दूर फेंक देता है, और ये देखकर यूजी थोड़ा सा शॉक होता है। इसके बाद युता यूजी के नाइफ को तोड़ देता है, और उस पर एक कट लगाने में भी सक्सेसफुल हो जाता है, बट यूजी भी यहाँ पर कम नहीं पड़ता। वो युता की कटाना को अपने पैर से दबा देता है, और फिर दूसरे पैर से उसकी कटाना को तोड़ देता है, और ये देखकर युता काफी इंप्रेस होता है। और फिर युता कहता है, हाँ ये गोजो सेंसे का प्यूपल है, तो इसको हराना इतना भी आसान नहीं होगा। अब यूजी सोचता है कि वो दोनों ही अनआर्म्ड है, तो वो शायद युता को हरा सकता है, और वो जैसे ही युता पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे पीछे से रीका पकड़ लेती है। अब यूजी को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो हिल भी नहीं पा रहा था, और इसी का फायदा उठाकर युता अपनी टूटी हुई कटाना को यूजी के अंदर घुसेड़ देता है और उसे मार देता है। और हम देखते हैं कि अंदर सुकुना पहले तो ये देखकर शॉक होता है, पर तभी वो हंसने लगता है। इसके बाद चोजो और नाओया को दिखाया जाता है, जहाँ पर नाओया चोजो को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था, बट ऑफकोर्स चोजो को हराना इतना आसान नहीं था। अब नाओया ये देखकर काफी शॉक होता है कि चोजो इतना घायल होने के बावजूद भी खड़ा है, और फिर वो चोजो से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर चोजो कहता है कि मैं 10 सिबलिंग में सबसे बड़ा हूँ,
और फिर वो फ्लोइंग रेड स्केल का यूज करने जाता है। बट फ्लोइंग रेड स्केल का इस्तेमाल करने से पहले ही नाव या चोजो को पकड़कर दूर फेंक देता है और उसकी बॉडी पर एक नाइफ से तगड़ा कट लगा देता है। इसके बाद नाव्या अपने भाइयों की बेइज्जती करने लगता है और ये सुनकर चोजो को गुस्सा आने लगता है। नाव्या कहता है कि उसके सभी भाई यूजलेस हैं, उन्हें खुद को फांसी देकर मार देना चाहिए। चोजो नाव्या को समझाते हुए कहता है, तुम इतने ताकतवर अपने भाइयों की वजह से ही हो। वो कहता है, अगर तुम्हारे बड़े भाई या तुम्हारे छोटे भाई नहीं होते तो तुम कभी भी इतने ताकतवर नहीं हो पाते। और तुम पूछ रहे थे ना कि मैं इतना टफ क्यों हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा भाई नहीं था जो मुझे गाइड कर सके। मैंने गलतियां करी और मैं उनसे सीख कर ताकतवर बनता गया। और उसके बाद चोजो अपने बॉडी के बाहर के ब्लड को कंट्रोल करने लगता है और ये देखकर नाव्या काफी शॉक होता है, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड निकलने के बाद भी चोजो जिंदा कैसे था। इसके बाद पता चलता है कि डेथ पेंटिंग्स के अंदर कर्स स्प्रिट और ह्यूमन के ब्लड का मिक्सचर होता है और उनका ब्लड तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उनकी कर्स एनर्जी नहीं खत्म हो जाती। अब चोजो ने पूरी जगह पर ब्लड फैला दिया था जिसकी वजह से नाव्या को चोजो दिखाई नहीं दे रहा था। अब नाव्या सोच रहा होता है कि वो चोजो के इस ब्लड वाले अटैक को आसानी से डॉच कर सकता है कि तभी चोजो उसके साइड में आकर पियर्सिंग ब्लड से हमला कर देता है। बट नाव्या उसके पियर्सिंग ब्लड से तो बच जाता है, पर चोजो का ब्लड उसके क्लोथ में चिपक जाता है जिसको चोजो कंट्रोल करके उसकी स्पीड को कम कर देता है। बट नाव्या काफी कॉन्फिडेंस होता है, वो कहता है, भले ही तुम मेरी स्पीड को कितना भी कम कर दो बट मैं तुम्हें फिर भी हरा दूंगा। और उसके बाद नाव्या चोजो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी चोजो उस पर सुपरनोवा से हमला कर देता है जिसकी वजह से नाव्या काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो मरने की हालत में वहीं गिर जाता है। तभी चोजो के पीछे यूता आ जाता है जो कि यूजी को घसीटते हुए ला रहा था और यूता आकर एक ही घूंसे में चोजो को हरा देता है। और फिर वो नाव्या के पास आकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो नाव्या। अब ऑफ कोर्स चोजो के ब्लड में पॉइजन था जिसकी वजह से नाव्या की हालत और खराब होने लगती है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो चोजो से हार गया है। इसके बाद यूता नाव्या से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर देता हूं, बट उसके बदले तुम्हें हायर अप से कहना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया है। और उसके बाद यूता नाव्या को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर देता है। इसके बाद पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर यूजी एक छोटा सा बच्चा था। यूजी के दादाजी आकर उसके पिता से कहते हैं, तुम्हें उस औरत को छोड़ देना चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। हमें यहाँ पर पता चलता है कि यूजी के पिता एक बच्चा चाहते थे बट उनकी वाइफ काउरी प्रेग्नेंट बनने के काबिल नहीं थी, इसलिए यूजी के डैड ने किसी और लड़की के साथ मिलकर यूजी को पैदा किया था और उस लड़की के सिर के ऊपर बिल्कुल केंजाकू की तरह स्टिचेस होते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर यूजी को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने यूता बैठा हुआ है और यूता को देखकर वो काफी शौक हो जाता है। इसके बाद यूता यूजी को बताता है कि गोजो ने उससे कहा था कि उसे यूजी का ध्यान रखना है। इसमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर गोजो और यूता साथ में होते हैं। गोजो यूता से कहता है कि मुझे कुछ बैड फीलिंग्स आ रही हैं, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम्हें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट का ख्याल रखना होगा। गोजो कहता है कि जिसकी चिंता मुझे सबसे ज्यादा है वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट यूजी है, तुम्हारी तरह उस पर भी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है तो उसका ख्याल तुम्हें सबसे ज्यादा रखना होगा। इधर प्रेजेंट में यूता यूजी से कहता है कि मुझे तुम्हें इसलिए मारना पड़ा क्योंकि मैंने हायरअप्स के साथ तुम्हें मारने का बाइंडिंग वो किया था। इसमें यूजी उससे पूछता है, तुम्हें मारा क्यों नहीं हूं। यूता बताता है कि मेरी कर्स टेक्निक की वजह से मैंने जब तुम्हें मारा था तो तुम्हारे दिल की धड़कन रुक गई थी, बट उसी वक्त मैंने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था और मुझे लगा ही था कि ये काम कर जाएगा क्योंकि तुम पहले भी मर के जिंदा हो चुके हो। इसका यूजी यूता से पूछता है कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। इस पर यूता यूजी को जवाब देता है, क्योंकि तुम उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर यूता यूजी को समझाने लगता है कि तभी यहाँ पर मैगुमी आ जाता है, जहाँ पर मैगुमी यूजी को जुजुत्सु हाइव वापस जाने के लिए कहता है और ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि सब कुछ नॉर्मल है, पर यूजी चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसे बिहेव मत करो कि सब कुछ नॉर्मल है, मेरी वजह से काफी लोग मारे गए हैं। इस पर मैगुमी कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर मैगुमी यूजी से कहता है कि नोरितो शिकामा कुछ प्लान बना रहा है जिसके अंदर मेरी बहन भी इन्वॉल्व है, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट सेक्शन में आपको ये एपिसोड कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।